Thanks. Thanks for coming. It's all here. Here's the money. Thank you. Thank you. यार, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। अगर आज 7 अक्टूबर को यह हादसा ना हुआ होता, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आप ठीक हो गए, इट्स अ मिरेकल। नो नो डॉक, इट्स नो मिरेकल। माय ब्रदर इज अ डैम टफ गाय, एम आई राइट? राइट। तो डॉक्टर, आप लोग रणवीर के अकाउंट से कितने पैसे कम करने वाले? जी मेरा मतलब यह है कि आप इन्हें यहाँ कितने दिन और रखेंगे? ओह, 15-20 दिन तो लगेंगे ही। अरे यूं निकल जाएंगे। अच्छा मिस्टर राजीव, आप जब भी फ्री हो जाएं, मुझे मेरे कैबिन में आकर मिल लीजिए, कुछ पेपर साइन करवाने हैं। जरूर, मैं शाम को मिलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। नर्स प्लीज कम। यस सर। ग्रेट। रॉनी, तुम ठीक तो हो ना? गेट वेल सून। मुझे कहना नहीं आता, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे बगैर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। डोंट वरी राजीव, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ। दर्द हो रहा है? या ओए, उसका नहीं, इसका दो से मार लो, सब गायब हो जाएगा। वेरी फनी। राजीव, सॉरी, मैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ओके, यू गोना बी फाइन। हेलो, और अक्सर जो लेट आते हैं वो लाजवाब होते हैं। ये मेरा छोटा भाई है राजीव। हाय, नाइस टू मीट यू। मी टू। एंड दिस इज माय पीए सोफिया। हाय, नाइस टू मीट यू। एंड दिस इज माय फ्रेंड सोनिया।
Ranveer, Mr. Mark has come. Ah, please excuse me. Rajiv will look after you. Okay. Bye. Bye. Can I get you a drink? Soft drink. This way. अब पता चला रॉनी ड्रिंक क्यों नहीं करता। जो तुम्हें देख ले उसे और किसी नशे की जरूरत ही क्या है? तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मेरी नजर से देखो तो पता चलेगा कितनी कम तारीफ कर। वैसे लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इट सेव्स टाइम। सेव्स टाइम, लव दैट। यू नो व्हाट वी थिंक अलाइक। पर रॉनी ने तुम्हारे बारे में बताया नहीं। कब से जानते हैं उसे? बस 2-3 महीने हुए होंगे। एनीथिंग सीरियस? Don't say yes. Don't say yes, please. क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि you know what? Give me one. Mark seemed to agree. Oh, hello. Hello. राजीव कहाँ है? पता नहीं, बोल के गया, 1-2 मिनट में आता हूँ. अच्छा. रॉनी, एक बात बोलूँ? तुम दोनों में बहुत फर्क है. लड़कियों के मामले में he's much faster than. Not bad. पहली मुलाकात में आपको काफी इंप्रेस कर दिया. Are you done? Yeah, एक और बॉटल लाओ. मजा आया भैया. लोग कहते हैं कि शराब इज स्लो पॉइजन. इज इट ट्रू? या, इट्स ट्रू. वेरी गुड. मुझे कहाँ जल्दी मरना है. कम ऑन, लेट्स गो. चलो जी, चलो. लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा शराब पीने से इंसान अपना होश गंवा देता है. इज इट करेक्ट? करेक्ट. वेरी गुड. होश में रहकर हमें कौन सा चांद पे जाना है? ये भी बोलते हैं लोग कि शराब से ज्यादा नशा प्यार में होता है. इट्स ऑल ट्रू राजीव. सब राइट हो जाएगा. अब चलो अंदर चलो. नहीं भैया, वो सोनिया एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए ना, ये शराब पीना हमेशा के लिए गायब. शीज ब्यूटिफुल. आई स्वेयर शीज शीज अमेजिंग. भाई बस मेरी 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 ये बात याद रखना, हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो. Morning. Anything urgent? हाँ, आज ही एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए. देख तो लीजिए. अच्छी लग रही हो. मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ. वो तुम देख लेना. Anything else? हाँ, बैंक मैनेजर का कल फिर रिमाइंडर के लिए फोन आया था. रांच के मॉर्टगेज के 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है. ओके, एक काम करो, केप टाउन के किसी भी स्टेट एजेंट को कांटेक्ट करो. वह हमारी प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर मैं बैंक के सारे ड्यूज क्लियर करना चाहता हूँ. ओके, एज़ सून एज़ पॉसिबल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सैम, इसे वापस ले जाओ और एक ग्लास पानी में 2 डिस्प्रिन लेकर आओ. लेकिन सर, राजीव सर रोज सुबह यही ड्रिंक पीते हैं. सैम. राइट सर. ओके, यू कैरी ऑन. आई विल सी यू लेटर इन ऑफिस. ओके. You all right? कल थोड़ा ज्यादा हो गया, सर भारी है. सिर्फ यही बात है या कुछ और भी है? सर, बियर कहाँ है? एक्चुअली हैंगओवर इससे भी होता रह जाता है.
याद है तुमने कल क्या कहा था? क्या? यही कि अगर सोनिया तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम पीना छोड़ दोगे। नशे में था भैया, और नशे में आदमी हमेशा सच कहता है। वो जैसे शराबी की जिंदगी में वो कैसे आ सकती है? और अगर आ गई तो? कैसे आ सकती है भैया? अगर आ गई तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर तुमको सोनिया के साथ लंच करना है तो आज दोपहर को क्लब आ जाना, ठीक है? 1 बजे, डोंट बी लेट। सोनिया के साथ लंच? यस सर। सैम। सर। थैंक यू। ओह एंड सैम, मुझे ठीक 1 बजे मेरे मोबाइल पर फोन करना। ऑलराइट सर। थैंक यू। This is a pleasant surprise. Hi guys, तुम लोग क्या कैसे? क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी, वापस जा रहे थे कि तुम पर नजर पड़ गई। Do you mind if we join you? Come sit. You're looking great. And you're looking very fresh today. राजीव, कल पार्टी में तुम्हारी वजह से ड्रिंक्स की शॉर्टेज तो हो गई होगी। तुम हमेशा ही पीते हो। देखो, शराब पीने की हमेशा दो वजह होती हैं, खुशी या गम। कल मेरे पास दोनों वजह थी। खुशी इस बात की थी कि तुमसे मुलाकात हुई, और गम इस बात का था कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। Come on, stop now. वैसे सोनिया, आज प्लान क्या है तुम्हारा? Nothing great. Well then, let's make it great. साथ में लंच करते हैं। Sure. Excuse me. Oh. Damn. Hi, Priya. Oh, sweetheart, look, I'm so sorry I'm late. Sweetheart? Come on, baby, don't be angry with me. अच्छा एक काम करते हैं, आज का लंच और डिनर दोनों साथ में करेंगे। Happy? I love you, baby. Bye. ये प्रिया कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। 3 महीने के बाद यूएस से वापस आई है, और मैं अपने काम की वजह से भूल गया कि आज लंच उसके साथ करना है। बहुत नाराज है, जाकर मनाना पड़ेगा। After all, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो मैं भी चलती हूँ। क्यों? मेरे साथ लंच करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो? ओके। ग्रेट, गुड। तो मैं चलता हूँ। हैव फन। यू गाइस हैव फन। वी विल। वाह, क्या बात है। अकेले खाने का मजा ही कुछ और है। अब तुम कहोगे कि मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन सच तो ये है कि जिस तरह तुम मेरे साथ हो, उस तरह इस रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर्स मेरे साथ हैं। ना कोई मेरे से बात करता है, ना कोई मेरे जोक्स पे हंसता है। तुम्हें हो क्या गया आज? इतनी चुप क्यों बैठी हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दोस्त को नहीं बताओगी? हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। लेकिन हर दोस्ती प्यार में नहीं बदलती। एनीवेज, मैं चलती हूँ। कल मेरा फैशन शो है, उसकी रिहर्सल्स पे जाना है। अपने दोस्त को इनवाइट नहीं करोगे? इनविटेशन तो तुम्हारे घर भेजा था, अब तुम आ जाना। थैंक्स फॉर लंच। नो प्रॉब्लम, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेकर आई। फैंटास्टिक, तो तुम मुझे छोड़ दो।